केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नगरोटा बगवा में खेलो इंडिया अभियान के तहत बनी टेबल टेनिस व वेटलिफ्टिंग अकादमी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अभियान शुरू किया है और इसके माध्यम से युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस अकादमी के माध्यम से स्थानीय खिलाड़ियों को वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इंडिया रेजिडेंशियल सेंटर वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस का, जहां एक और स्थानीय खिलाड़ियों को एक अवसर देगा बेहतर कोचिंग का, बेहतर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का। वहीं पर भविष्य में इस क्षेत्र से देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल सकें, इसलिए सेंटर यहां पर बनाया गया है। और खेलो इंडिया का कल्पना ही माननीय प्रधानमंत्री जी की ये है कि देश भर में ऐसे हज़ारों सेंटर्स खोले जाएँ ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारा जा सके, उनको तराश कर आगे पहुंचाने का अवसर हो। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, वहां पर उनको इवेंट ज़्यादा मिल सकें परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से टॉप स्कीम्स बनाई गई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए इलीट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाए, उनका रहने का, खाने पीने का, उनकी खेलों का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। ये अपने आप में एक शानदार शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, जिससे खेलों को बढ़ावा भी मिला है, लेकिन अभी भारत को बहुत आगे जाना है। स्कूल स्तर पे जितना खेलों को बढ़ावा मिलेगा तो कैच देम यंग, यानी कि युवावस्था से ही उनको पकड़ कर, तराश कर, खिला कर, ट्रेनिंग देकर एक चैंपियन एथलीट के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास भी किया, जिसमें कई प्रकार के खेल करवाए जाएंगे।